बढ़िया ही रहना। जो फाइनली कल सीएस का न्यू रैंक सीजन 22 आने वाला है ये तो आपको पता होगा, बट गाइज सीएस रैंक में कौन सा ग्लिच वर्क करने वाला है ये तो मुझे पता है। गाइज आज के इस वीडियो में मैं आपको तीन चीजें बताने वाला हूँ। सबसे पहला तो ये गाइज कि एक्चुअल में 10 ऐसे टिप्स देने वाला हूँ जिससे कि आप सीएस रैंक की स्ट्रेटेजी को यूज करके इजिली ग्रैंड मास्टर कर सकते। दूसरा, न्यू रैंक सीजन में ग्लिच कौन सा वर्क करेगा जिससे कि आपके गेम हारने के बाद आपका रैंक माइनस नहीं होगा। तीसरा जो है गाइज वो है सीएस रैंक का जो न्यू रैंक सीजन है उसमें अगर आपके पास आपकी परमानेंट स्क्वाड है तो कौन सा कैरेक्टर कॉम्बिनेशन लेके खेलना है, एंड अगर रैंडम प्लेयर्स के खेलना है तो फिर रैंडम प्लेयर्स के साथ कौन सी कॉम्बिनेशन के साथ खेलना है। यार लास्ट में जो टिप्स बताने वाला हूँ ना वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, एंड गाइस वो टिप्स बाकी सारे टिप्स से रिलेटेड है। गाइस अगर आप लोग ग्रैंड मास्टर्स प्लेयर्स को नोटिस करोगे तो आपको यहाँ पे एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट दिखेगा कि गाइस उनके जो विनिंग स्ट्रीक होते हैं ना वो काफी ज्यादा होते हैं, एंड वो बहुत ज्यादा से ज्यादा मैचेस भी खेलते हैं। इसका मतलब ये है गाइस कि अगर आपको ग्रैंड मास्टर जाना है तो उसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा मैचेस को जीतना पड़ेगा और कम से कम मैचेस को हारना पड़ेगा। गाइज सबसे पहले तो स्टार्टिंग में अपन कुछ सिंपल चीजों पे बात करने वाले हैं जिसमें सबसे पहला एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आपका एक खुद का स्क्वाड होना चाहिए। और आपको अपने खुद के स्क्वाड बनाने के बाद क्या करना है कि अपने ही बंदों के साथ कस्टम बनाना है और कस्टम में लिमिटेड एमओ को नो कर देना है, जिसके साथ अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी क्लास स्क्वाड की अच्छी खासी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। गाइज बिना स्क्वाड के ग्रैंड मास्टर जाना थोड़ा सा तो मुश्किल होगा। वैसे हाँ यार आपको अपने स्क्वाड को किस तरीके से यूज करना है वो मैं एक्चुअल में इसी वीडियो में बताने वाला हूं। गाइज सबसे पहले आते हैं ट्रिक नंबर 1 पे। तो गाइज सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको हमेशा ही यूज करना है हाई डैमेज वाले गन्स को, लाइक मार्क्समैन गन, एसवीडी, एडब्ल्यूएम, M2, या फिर वैसे सारे गन्स आपको यूज करने हैं जिससे ज्यादा डैमेज मिलता है। इससे गाइस फायदा ये होगा, जैसे ही गाइस आप एक गोली भी बंदे को मारते हो ना तो फिर उसकी जो है ना कि बहुत जल्दी मेडिकिट्स खत्म हो जाएगी, एंड जैसे ही उसकी मेडिकिट्स खत्म हो गई तो फिर आपके लिए वो राउंड जीतना बहुत ईजी होने वाला है। अब आते हैं ट्रिक नंबर 2 पे। तो गाइस ट्रिक नंबर 2 है कि सबसे पहले हमें बात करना है गन कॉम्बिनेशन के बारे में। अब गन कॉम्बिनेशन में हमें शॉर्ट रेंज में और लॉन्ग रेंज में कौन से गन के कॉम्बिनेशन को यूज करना है। शॉर्ट रेंज में गाइस आपको वैसे गन्स चाहिए होते हैं जिसमें या तो डबल रेट ऑफ फायर या फिर डबल डैमेज रहना चाहिए। गाइज आप लोग भी तो ऐसा कर ही सकते हो, अपने गन स्किन्स को या तो डबल रेट ऑफ फायर या फिर डबल डैमेज में सेलेक्ट कर ले। गाइज अगर अपन बात करते हैं मिड रेंज या फिर लॉन्ग रेंज के लिए तो आपको स्नाइपर, वुड पिकर या फिर एसीएटी का यूज करना है, एंड अगर वो भी नहीं मिले तो फिर M4A1 में लेवल 3 के चिप को लगाने के बाद उसको यूज करना है। नाउ लेट्स कम ऑन पॉइंट नंबर 3। तो गाइज ट्रिक नंबर 3 में आपको ये करना है कि आपको सबसे पहले एक अच्छे गन स्किन को चूज करना है कि एक्चुअल में आपके पास कौन सा गन स्किन है। लेट्स सपोज आपके पास गन स्किन अच्छी है MP40 की, एंड अगर आप उसके बदले आप M7 चला रहे हो तो अच्छा नहीं कर पाओगे। गाइस अगर आपके पास कोई भी ऐसा गन है ना जो डबल रेट ऑफ फायर है, यार बिना सोचे गाइस आप लोग उसको ले लो क्योंकि कोई भी उसको नहीं हरा सकता। बट अगर आप लोग लॉन्ग रेंज या फिर मिड रेंज में रहते हो तो फिर आपको हमेशा डबल डैमेज या फिर डबल रेट ऑफ फायर वाले गन्स को यूज नहीं करना है, मोस्टली आपका डबल रेंज वाले गन को यूज। गाइस अगर आपके पास कोई भी गन स्किन्स अच्छी नहीं है तो फिर आपको हमेशा वैसे ही गन्स को यूज करना है जिस गन्स को आप इजिली अपग्रेड कर सकते हो, लाइक M4A1, MP5, स्कार। ट्रिक नंबर 4 ये है गाइस कि जब भी आप रैंक पुश करते हो ना तो आपको कभी भी पीसी प्लेयर्स के साथ रैंक पुश नहीं करना है, क्योंकि जब आप पीसी प्लेयर्स के साथ रैंक पुश करते हो तो आपके सामने भी जो बंदे आएंगे वो पीसी प्लेयर्स ही आने वाले हैं। ट्रिक नंबर 5 ये है कि आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग गन कॉम्बिनेशन की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि गाइस कुछ एरिया होता है वो होता है क्लोज एरिया, कुछ एरिया होता है ओपन। तो गाइस जब भी आप ओपन एरिया में फाइट करते हो ना तो ओपन एरिया में फाइट करने से क्या होता है कि आपको हमेशा लॉन्ग रेंज का गन लेना और डबल डैमेज वाला गन का स्किन लेना है या फिर कैरेक्टर्स को लेना है। एंड गाइस अगर आप क्लोज एरिया में फाइट करते हो तो क्लोज एरिया में फाइट करने का यहाँ पे आपको हमेशा शॉर्ट रेंज वाला गन लेना है, क्योंकि गाइस यहाँ तो ओपन है ही नहीं तो आपका लॉन्ग रेंज क्या ही काम करेगा। गाइस लास्ट ट्रिक जो मैं आपको बताने वाला हूँ ना वो है ग्रेनेड की एडवांस लेवल ट्रिक। ग्रेनेड का ट्रिक मतलब ये है गाइस कि कोई भी बंदे को अगर आप ग्रेनेड से मारते हो ना तो आप उसकी साइड में उसकी डायरेक्शन में घूम के ग्रेनेड को कुक मत, उसके अपोजिट साइड में आपको अपने ग्रेनेड को कुक करना है। इससे फायदा क्या होगा कि ये जो मार्क आता है ना ग्रेनेड कुक करते टाइम वो बंदा पे नहीं जाएगा और उस बंदे को आप इजिली ग्रेनेड कुक करने के बाद मार सकते हैं। इसके बाद जो है वो सबसे मेन ट्रिक है, ये बताने से पहले आप लोगों से बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग अभी तक ये वीडियो देख रहे हो एंड वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर से लाइक कर देना। चैनल पे नए आए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर से ऑल पे सेट कर देना ताकि मेरी डेली इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड गाइज फाइनली अब मैं स्टार्ट करता हूँ इस वीडियो का थर्ड पार्ट कि आपको एक्चुअल में कौन सा कैरेक्टर कॉम्बिनेशन लेना है। एंड गाइज लिटरली यार कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज का जो सबसे पहला कैरेक्टर कॉम्बिनेशन होने वाला है वो होने वाला है ओरियन, मेगिल, सोनिया एंड अलवारो। गाइज इस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि गाइज ओरियन और अलवारो को यूज करने के बाद सबसे बड़ा फायदा ये होने वाला है ना कि आपको ग्रेनेड को कुक करना है और सामने वाले बंदे पे जैसे ही कुक करने के बाद फेंकते हो उसके बाद अपने आपको ओरियन बन जाना है। गाइज आपको डैमेज नहीं पड़ेगा आपके ग्रेनेड का, बट सामने वाले
बंदे इजीली मार जाएंगे। गाइस इस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के साथ आपको एक गलती नहीं करनी है कि सामने वाला बंदा अगर आपको अच्छा खासा डैमेज दे देता है तो आपका सोनिया एक्टिव होने के बाद वहां पे करते हो अब ओरियन ऑन कर लेते हो, तो गाइस ओरियन आपको ऑन नहीं करना है, तब की 3 सेकंड के अंदर सामने वाले बंदे को आपको कोशिश करना है कि मैं फिनिश कर दूं। गाइस इसका जो सेकंड कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है उसमें आपको लेना है तात्सुया, केली, जोटा एंड अलवारो। इन चारों कैरेक्टर कॉम्बिनेशन को करने के बाद गाइस आप लोग इजीली पहले दिन भी 6 घंटे के अंदर ग्रैंड मास्टर कर सकते हो। एक्चुअल में गाइस मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इस कैरेक्टर को यूज कैसे करना है। तो गाइस अलवारो कैरेक्टर लेने के बाद क्या होता है कि आपके ग्रेनेड का जो डैमेज है ना उसके एरिया को इंक्रीज कर दिया जाता है, तो कम से कम 2 बंदे को तो ग्रेनेड का डैमेज जाएगा ही। गाइस कभी कभी क्या होता है ना कि पूरी की पूरी स्क्वाड एक बार में रश करने आ जाती है, तो जब सारी की सारी स्क्वाड रश करने आएगी ना उस टाइम पे अगर आप अलवारो कैरेक्टर को एक्टिव करने के बाद अगर ग्रेनेड कुक करके मारते हो तो पूरी स्क्वाड एक ही बार में खत्म हो जाती है। अगर आपको तत्सुया कैरेक्टर को यूज करना है तो उसके लिए क्या करना, गेम के स्टार्टिंग के जैसे फर्स्ट राउंड में जब बंदे गन खरीद रहे होते हैं ना उसके बाद जैसे जैसे मतलब समझ रहे हो ना गाइस कि टाइम स्टार्ट होता है राउंड का, आपको अपने तात्सुया कैरेक्टर के स्किल को एक्टिव करने के बाद तुरंत से 3-4 बार जब यूज करोगे ना और आपके पास केली तो हो गई तो ओपोनेंट के घर में घुस जाना है। जैसे ही घर में घुस जाओगे उसके बाद गंदे जैसे उधर से आ रहे होंगे आप उनको इजिली मार सकते हो। गाइस इस दोनों कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के साथ गाइस अब मैं आपको बताने वाला हूँ आज का बोनस ट्रिक। जो बोनस ट्रिक है ना, बोनस ट्रिक में ये है गाइस कि आप जब भी अगर रैंक समझ रहे हो कि सीएस रैंक पुश कर रहे हो अगर बार बार कंटिन्यू बुया करते जा रहे हो ना, लगा 6-7 बार आपने बुया कर लिया, इसमें आईडी जो है आपकी वो ब्रॉन्ज जा सकती है। इसलिए गाइस यहाँ पे पॉइंट ये है, आपको क्या करना है हर 6-7 गेम के बाद एक क्लासिक मैच स्टार्ट करना है। एंड नॉर्मली गाइस क्लासिक मैच में आपको एक मैच खेल लेना, उसके बाद फिर से आपको अपने रैंक को पुश करना स्टार्ट कर। गाइस आज के लिए बस इतना ही, आई होप कि गाइस आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, मिलते गाइस नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।